नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बढ़े हुए टॉन्सिल्स का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, टॉन्सिल्स बढ़ना एक आम बात है, काफ़ी लोगों के बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ख़ास तौर पर बच्चों में ये लंबे समय तक बढ़े रहते हैं। और उस केस में क्या होता है, इसका कारण होता है बैक्टीरिया के कारण टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन, और इसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस या बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। तो ऐसा कुछ दिन रहे तो एंटीबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देके इनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक जब ये चलते हैं तो बच्चे को तकलीफ होती है, उसको खाने में पीने में निगलने में तकलीफ होगी, दर्द होती है, ये तो होता ही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है कि बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है, बच्चा अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता है। तो ऐसे में एलोपैथिक डॉक्टर्स, खास करके ENT स्पेशलिस्ट्स क्या कहते हैं कि टॉन्सिल्स को काट के बाहर निकाल देते हैं, यानी टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं। ठीक है, ये उनका तरीका है, लेकिन आयुर्वेद में हम कुछ और प्रयास करते हैं। हम ये मानते हैं कि टॉन्सिल्स अगर प्रकृति ने दिए हैं तो वो शरीर की रक्षा करने के लिए दिए हैं। ये दो एक प्रकार के प्रहरी हैं कि जो कुछ अंदर जाएगा, अगर वो ख़राब होगा, बैक्टीरिया या वायरसेस या कुछ और चीज़ या टॉक्सिन्स, उसको यहाँ पे टॉन्सिल्स पकड़ लेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। और अगर टॉन्सिल्स ही नहीं होंगे तो वो काम कौन करेगा? इसलिए हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि टॉन्सिल्स को हम ठीक कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऐसे ही बातें करने जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, और ऐसे केसेस में पेशेंट को बार बार अटैक्स होते हैं या तकलीफ होती है, या फिर ENT सर्जन्स कहते हैं कि इनको काट के फेंक देना है, तो आप ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या आयुष के डॉक्टर्स हैं या इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो ये आप ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। या अगर आपके घर में किसी बच्चे को या किसी को भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप ये ट्रीटमेंट किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें करना क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस होने पे चार प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। पहली दवाई, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ने को रोका जाए या उनको मारा जाए, नंबर एक, यानी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। नंबर दो, जो सूजन हो गई है उस सूजन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। नंबर तीन, पेशेंट की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से वो बैक्टीरिया से लड़े, इसके लिए इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन। और नंबर चार, लोकल कोई दवाई ऐसी हो जो उसमें फ़ायदा करे। चार प्रकार की मेडिसिन। ओके, शुरुआत पहले से करते हैं, यानी एंटी बैक्टीरियल दवाई कौन सी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दो दवाइयाँ बताता हूँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाए। नंबर वन है चिरायता और नंबर टू है अतिविषा। आपकी इच्छा है आप चिरायता दें, आपकी इच्छा है आप अतिविषा दें, फुल डोज में देनी पड़ेगी। फुल डोज क्या है, छोटी उम्र है तो एक एक टैबलेट दिन में तीन बार दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्र होती है तो आप दो दो टैबलेट तीन बार दे सकते हैं। लेकिन अगर टॉन्सिलाइटिस बहुत सीवियर है तो दो दो टैबलेट तीन बार नहीं, चार बार दे सकते हैं, पांच बार या छह बार। तो ये सेम चीज़ अतिविषा पे लागू होती है। तो छोटी उम्र है, वेट कम है, तो एक एक टैबलेट तीन बार, लेकिन अगर वेट ज़्यादा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो दो दो टैबलेट तीन बार, और सीवियर इन्फेक्शन में दो दो टैबलेट छः बार तक दे सकते हैं। ये चीज़ आपको, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक टैबलेट चिरायता और एक अतिविषा, ये दोनों मिला के दे सकते हैं, समझ गए? तो ये एक तरीका है। अगर आप चाहें कि एक ही टैबलेट के बीच में ये दोनों हो, तो हम आपको एक टैबलेट बताएंगे अपने, और उसका नाम है इन्फेक्सी टैबलेट। तो इन्फेक्सी टैबलेट में चिरायता भी है, अतिविषा भी है, बल्कि दो दवाइयाँ और हैं उसमें, गंधक और यशक। आप इसे भी उसी तरह से एक एक टैबलेट तीन बार या दो दो तीन बार या दो दो छः बार दे सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो। तो ये हो गया, लेकिन ये ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? शुरुआती पीरियड में, जब तक कि इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो जाती और जो टॉन्सिल्स हैं उनका साइज कम से कम 2/3 कम नहीं हो जाता।
टू थर्ड मैं एक एग्जाम ऐसे ही बताता हूँ, मान लो इसका ये काफ़ी बड़ा है और ये भी बड़ा है, दोनों ट्रांसेल्स आपको लगता है कि अब पहले से 1/3 ही साइज इसका रहा है और इसका रहा है, तब तक आपको चिरायता या अतिविषा देनी है या इनसे बनी हुई आपको देनी है इन्फेक्सिन। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तब क्या करेंगे? वो भी है, जिस तरह से चिरायता टैबलेट हमारे पास है उसी तरह से हमने चिरायता ड्राई सिरप बनाया हुआ है। तो इस ड्राई सिरप में क्या करना है कि पानी को उबालिए, बॉयल करिए, और ये जो लेबल है ये लाल वाला जो मरून कलर का, यहाँ तक भरिए, इसको अच्छी तरह से हिलाइए और रख दीजिए ठंडा हो जाए। तो ये ढक्कन है 10 ml का, अकॉर्डिंगली बच्चे की उम्र के अनुसार 5 ml या 10 ml उसी तरह से दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार दे सकते हैं। और ये हो गई, ये है हमारा चिरायता ड्राई सिरप। इसी तरह से हमने बनाया हुआ है अतिविषा ड्राई सिरप, आप चाहें तो अतिविषा ड्राई सिरप भी दे सकते हैं ऐसे ही। और अगर आप चाहते हैं कि हमको ये दोनों देनी है एक साथ में, तो जिस तरह से हमने इन्फेक्सी टैबलेट बनाई है ना ये वाली, सेम उसी तरह से हमने इन्फेक्सी ड्राई सिरप बना दिया है बच्चों के लिए, तो आप इसे भी दे सकते हैं उसी डोज में जैसे हमने बताया। तो ये लेकिन कब? एक्यूट इन्फेक्शन जब है, बच्चे को तकलीफ काफ़ी है, हो सकता है आपको ये 1 महीना 1.5 महीना इस तरह से देना पड़े, कभी कभी 3 महीने तक, क्योंकि ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जब आपको लगे कि काफ़ी हद तक टॉन्सिल्स का साइज़ कम हो गया है, यानी लगभग 1/3 ही बचा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में फिर आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी है जो लंबे समय तक चल सकती हैं, हो सकता है अगले 3 महीने या 6 महीने तक आपको देनी पड़े, क्योंकि ये प्रॉब्लम जहाँ ENT डॉक्टर उसको हमेशा के लिए काट के फेंक रहा था, तो उसका काम कौन करने वाला था? हम आयुर्वेद के डॉक्टर उसको बचा रहे हैं, तो समय तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो तो किसी के हाथ में है नहीं। तो ऐसे में कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपको लंबे समय तक देनी है, 4-5 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें से कोई एक या दो आप दे सकते हैं। इनमें से जो पहली दवाई है, बड़ी फेमस दवाई है आयुर्वेद की, इसको कहते हैं मंजिष्ठा। तो मंजिष्ठा की टैबलेट आती है, मैं एक बार आपको टैबलेट दिखा देता हूँ। टैबलेट्स हमारी ऐसी होती हैं, ये टैबलेट है, ये देखिए मंजिष्ठा की टैबलेट है। डोज वही रहेगी कि इसे आप दिन में एक एक टैबलेट 3 बार या 2-2 टैबलेट 3 बार, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो 2-2 टैबलेट 6 बार तक आप मंजिष्ठा दे सकते हैं। और इसी के मुकाबले की एक और दवाई है, उसका नाम है सारीवाल। तो आपकी इच्छा है आप मंजिष्ठा दें, या आपकी इच्छा है आप सारीवाल दें, या आपकी इच्छा है आप इन दोनों को मिला के दे दें। लेकिन इनको दोनों को मिला के हमने कोई टैबलेट नहीं बनाई हुई, ये अलग अलग ही आपको देनी पड़ेगी, ये हो गया। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि आपने ये दवाई दे दी 3 महीना, अभी भी कुछ इन्फेक्शन बाकी है, तो उस केस में आपको हम 2 दवाइयों का ऑप्शन दे रहे हैं। नीम होती है ना, नीम बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल है, तो नीम की टैबलेट दे सकते हैं। और एक और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, उसका नाम है चोप चीनी, इसे भी दे सकते हैं। तो इनको भी अकेले अकेले दे सकते हैं, एक एक टैबलेट दिन में 3 बार या 2-2 टैबलेट 3 बार, और चोप चीनी भी ऐसे दे सकते हैं, एक एक टैबलेट 3 बार या 2-2 टैबलेट 3 बार, या फिर इन दोनों को मिला के भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये ट्रीटमेंट है बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करने के लिए। और धीरे धीरे जैसे पुरानी इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक्स एलोपैथिक डॉक्टर्स के क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है कि वो किसी भी एंटीबायोटिक को एक स्पेसिफाइड पीरियड से ज़्यादा लंबा नहीं दे सकते। अगर ऐसा लिखा गया है कि इस मेडिसिन को, एंटीबायोटिक को केवल 10 दिन देना है, तो वो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अगर किसी का लिखा है ये 15 दिन देनी है, तो इतना ही दे पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद में ये चीज़ नहीं है, आप इसको लंबे समय तक देंगे तो इफ़ेक्ट आएगा, और धीरे धीरे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कम होगी और टॉन्सिल्स कम होते जाएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे कि कमाल, ये अजीब बात है कि ये जिसको डॉक्टर कह रहा था कि
इन टॉन्सिल्स का कोई इलाज नहीं है काट के फेंकने के सिवाय, लेकिन इन दवाइयों ने तो इनको धीरे 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 नॉर्मल कर दिया। बच्चे के टॉन्सिल्स बने रहे, लाइफ लॉन्ग उसकी प्रोटेक्शन होती रहेगी। कुछ और दवाइयाँ भी है, जैसे एक हमारी कांचनार आती है, तो कांचनार भी इसके लिए दी जाती है, और एक भूमि अमल की आती है फाइलोसिल नाम से, फाइलोसिल भी इसी काम के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये पहला हो गया कि एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। ओके, अब दूसरा ग्रुप जो मैंने बोला कि उस जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करना पड़ेगा, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, लेकिन जो एक अच्छी और बड़ी सॉफ्ट सी मेडिसिन है वो है शल्लकी टैबलेट। तो आप शल्लकी टैबलेट एक एक टैबलेट या दो दो टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं, और बच्चा अगर छोटा है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे केस में आप देंगे शल्लकी ड्राई सिरप, यानी इसको आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, पानी उबाल लिए तो उसमें से 100 ml पानी इसमें डालना है, और उसकी ये मेजरमेंट है, मैरून बॉर्डर है ना, यहाँ तक डालिए, अच्छी तरह हिलाइए, ठंडा करिए, और फिर ये जो मेजरिंग कप है इसके मुताबिक 5 ml या 10 ml बच्चे को दीजिए। तो ये हो गया शल्लकी ड्राई सिरप। तो आपकी इच्छा है आप शल्लकी टैबलेट दें, या आपकी इच्छा है आप शल्लकी ड्राई सिरप दें। बड़ा कोई होगा तो आपको शल्लकी टैबलेट देनी है, और छोटा है तो आपको देनी है शल्लकी ड्राई सिरप। फ्रेंड्स, एक और बहुत अच्छी इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो आप शल्लकी की जगह दे सकते हैं, और वो है एरंडमूल। तो आप जिस तरह से शल्लकी एक एक टैबलेट दे सकते हैं, उसी तरह से आप एरंडमूल दीजिए एक एक टैबलेट दिन में 3 बार, या दो दो टैबलेट 3 बार, या फिर आप एक काम कर सकते हैं एक टैबलेट शल्लकी और एक टैबलेट एरंडमूल भी दे सकते हैं, यानी 3 बार दे सकते हैं या ज़्यादा। और आपको एक और अच्छी गुड न्यूज़ देता हूँ कि हमने क्या किया कि एरंडमूल और शल्लकी दोनों को मिलाया और एक टैबलेट बना दी, और उसका नाम है लो स्वेल। तो आपकी इच्छा है कि आप लो स्वेल भी दे सकते हैं एक एक या दो दो टैबलेट, लेकिन दी तो ये बड़ों को ही जाएगी, बच्चों को तो नहीं, या तो घोल के देनी पड़ेगी या फिर बच्चों को आपको देनी है ये जो मैंने दिखाई आपको शल्लकी ड्राई सिरप, ये हो गई एंटी इन्फ्लेमेटरी। फ्रेंड्स, इसके बाद तीसरी जो मेडिसिन का ग्रुप है वो है बच्चे की इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके लिए बच्चा या बड़ा जो भी है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हम आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताएंगे जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उनमें से एक मेडिसिन बहुत अच्छी है, उसका नाम है गुडुची। गुडुची बहुत फेमस है आप जानते हैं, और दूसरी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली एक मेडिसिन है तुलसी। तो आप चाहें तो गुडुची टैबलेट दे सकते हैं एक एक टैबलेट दिन में 3 बार, या फिर आप दे सकते हैं तुलसी टैबलेट एक एक 3 बार, या फिर इन दोनों से बनाई हुई हमारी एक इम्यूनी टैबलेट आती है आप वो भी दे सकते हैं, और छोटा बच्चा अगर कोई है तो आप उसे दे सकते हैं इम्यूनी ड्राई सिरप। उसी तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, 100 ml गर्म उबलता पानी डालकर ठंडा करके पिलाना है। तो ये हो गया इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने वाली कुछ मेडिसिंस। लेकिन कुछ और भी मेडिसिंस हैं जिनसे जब शुरुआत में आपने ये दे दी लेकिन लंबे समय तक कि बार बार ये इन्फेक्शन ना हो, उसको बचाने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका नाम है शिलाजीत, जो आप जानते हैं। ये शिलाजीत की टैबलेट आप दिन में एक एक टैबलेट 3 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, या 2 बार दे सकते हैं, या 1 बार दे सकते हैं। लंबे समय तक इसको देंगे तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और बच्चे को या बड़े को इन्फेक्शन बार बार नहीं होगी। ये हो गई शिलाजीत। फ्रेंड्स, एक मेडिसिन हमने ऐसे बनाई है जिसमें शिलाजीत तो है लेकिन उसके साथ विटामिन सी वाली एक मेडिसिन है आमलकी, आंवला आपको पता है, उसके साथ इसमें यशद है, जिंक, फिर इसमें स्वर्ण माक्षिक है, आयरन पाइराइट, मुक्ता शुक्ति है, कैल्शियम कार्बोनेट, अदरक है, ये सारी मिला के हमने बनाई है मिनोविट टैबलेट। और आप ये भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिनोविट टैबलेट दे सकते हैं, और डोज वही रहती है कि दिन में एक एक टैबलेट दें 3 बार,
या एक एक टैबलेट दो बार दें और लंबे समय तक आपको इसे देना चाहिए। फ्रेंड्स ये हो गई इम्यूनोवेट टैबलेट। आपको अगर मान लो लगता है कि हमें अकेले विटामिन सी देना है तो उसके लिए हमारे पास एक आंवले की टैबलेट है, यानी आंवले की टैबलेट है, ये भी आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये तीन ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप कौन सा था? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला या बैक्टीरिया को मारने वाला, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा ग्रुप था कौन, जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम करने वाला। और तीसरा है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला। तीन तरह के मेडिसिन बताए। अब चौथा ग्रुप है लोकल ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि पानी ल्यूक वार्म करें, यानी थोड़ा सा कदूषण बोलते हैं उसको, ल्यूक वार्म, तो थोड़ा सा उसको गर्म करें, गुनगुना, और उसमें नमक डाल के गरारे करवाइए, एक तो ये है। या फिर उसमें थोड़ी फिटकरी डाल के गरारे कराइए, ये भी कर सकते हैं, या थोड़ी सी हल्दी डाल के गरारे कराइए, ये भी हो सकता है। ये सब कुछ कर सकते हैं, काला नमक डाल के गरारे करा सकते हैं, वो भी ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, एक मेडिसिन है हमारी, इसका नाम है जीवन रसायन। आप उस एक गिलास पानी में 10 ड्रॉप डालिए जीवन रसायन और इसके गरारे कराइए, तो ये भी लोकली काम करेगी। गागल्स 20 सेकंड तक करना चाहिए, फिर बाद में उसको थूक देते हैं। लेकिन एक बात और बताता हूँ, अगर बहुत दर्द हो रही है, पेशेंट को बुखार भी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आधा कप पानी लीजिए, उसमें 4-5 बूंद ये डालिए और पेशेंट को पिला दीजिए, तो लोकल इफेक्ट भी आएगा और इसका इफेक्ट बॉडी में जाने से भी आएगा, बुखार भी कम होगा, दर्द भी कम होगी और यहाँ की तकलीफ भी कम होने वाली है। लेकिन अगर ज़्यादा तकलीफ हो, ज़्यादा दर्द हो, बुखार हो गया हो, तो हमारी एक दवाई आती है हर्मल, तो हर्मल टैबलेट देते हैं बुखार उतारने के लिए और गले की दर्द कम करने के लिए, आप ये दे सकते हैं। या फिर एक और दवाई आती है, इसका नाम है गोजेवा, ये भी बुखार उतारती है और दर्द कम करती है, यानी एंटी पायरेटिक है। और बच्चे छोटा है अगर, तो उसको आप सुवर्ण प्राशन तो लगातार 16 बरस की उम्र तक दे सकते हैं, ये आप जानते हैं हमारा सुवर्ण प्राशन है, ये बहुत चलता है, बच्चे की उम्र के अनुसार 1 से लेकर 5 बूंदों तक डेली, दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार दिया जाता है। इसके अंदर एक कार्ड होता है, उस कार्ड को आप भर सकते हैं, जिससे आपको बच्चे की हेल्थ का आइडिया हो सकता है कि वो कितना ग्रो, कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने इनलार्ज्ड टॉन्सिल्स, यानी बड़े फूले हुए टॉन्सिल्स, बैक्टीरिया के कारण जो टॉन्सिलाइटिस होती है, उसका ट्रीटमेंट डिस्कस किया। इसका एक दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे, जिसमें वायरस के कारण टॉन्सिल्स अगर बढ़ जाते हैं उसमें क्या करेंगे, या अगर एलर्जी के कारण टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, तो अगला वीडियो कोई हम उस पर बनाएंगे, उसे भी देख सकते हैं आप। और इसमें जो हमने नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, उसका बेनिफिट आप टॉन्सिल से पीड़ित पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखा करिए, ताकि पूरा जो आपको एक जानकारी दी जाती है वो मिले और आपको पूरा पूरा लाभ मिल सके। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।